गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले क्लास में श्वेत क्रांति क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था और आदेशित अर्थव्यवस्था में अंतर, नियोजन विकास संबंधी नेहरू जी के उद्देश्य, इन तमाम विषयों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे गर्मी पंचवर्षीय योजना। यह योजना एक वर्ष के विलंब से आई, पहले केंद्रीय मंत्री परिषद और फिर राष्ट्रीय विकास परिषद जनवरी 2008 में पास होकर 1 अप्रैल 2008 से लागू किया गया। इसे आम आदमी की योजना कहा गया है। इसका मुख्य बल दीर्घकालीन नियोजन प्रक्रिया पर है, ताकि सामाजिक व आर्थिक लक्ष्य सिद्ध किया जा सके। देश में तीव्र व सर्वसमावेशी विकास हो। सर्वसमावेशी विकास का मतलब वैसे विकास से है जिसमें रोजगार के अवसर पैदा हो और जो गरीबी को काम करने में मदद कर सके, जिससे समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचा सके, चाहे वे ग्रामीण हो या नगरीय, कृषि में लगे हो या उद्योग में, निजी क्षेत्र में हो या सार्वजनिक क्षेत्र। इसलिए कुछ विषयों पर बजट का अधिकांश खर्च किया जाएगा, जैसे कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक न्याय। समाज के दुर्बल पिछड़े वर्गों को इसका विशेष लाभ मिलना चाहिए। यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि घरेलू उत्पादक का 9% सर्वसमावेशी विकास हो, देश में खाद्य संकट का निराकरण किया जाए, 7 करोड़ लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाए, लघु स्तरीय व कुटीर उद्योग धंधों के विकास को प्रोत्साहन दिया जाए, हर वर्ष लगभग 10% दरिद्रता को दूर किया जाए आदि। इस अवधि में 27 व्यापक राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जैसे कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, प्राथमिक उच्च शिक्षा, दरिद्रता निवारण, रोजगार, महिला बल विकास, मध्यम स्तरीय लघु स्तरीय उद्योगों का विकास आदि। यह योजना भारत की अर्थव्यवस्था को प्रशासनिक रूप में सुधार देगी। आगे हम लोग पढ़ेंगे नियोजन व राजनीति। नियोजन का सारा कार्यक्रम समाजवादी विचारधारा से प्रभावित होता है। पुरानी उदारवादी व्यवस्था ने पुलिस राज्य की कामना की, अर्थात यह आग्रह किया गया है कि व्यक्ति को अकेला छोड़ो, ताकि वह जीवन संग्राम में फंसकर अपना विकास स्वयं करे। राज्य का काम मात्र सुरक्षा है, जन कल्याण नहीं। तभी यह सूत्र साकार होगा कि योग्य ही जीवित रह सकता है। इसके विपरीत समाजवादी विचारधारा ने राज्य को कल्याण का यंत्र माना। गरीबी, बेगारी, शोषण, उत्पीड़न, अन्याय जैसे रोग व्याप्त है, जिन्होंने राज्य ही दूर कर सकता है। अतः राज्य को जनहित में अपना कार्यक्षेत्र बढ़ाना चाहिए। 19वीं सदी में समाजवादी विचारधारा का बहुत तेजी से विकास हुआ। 20वीं सदी में उसका व्यवहारिक रूप अर्थात कार्यान्वयन स्थापित हुआ है। समाजवादी विचारधारा के 2 प्रमुख रूप हैं, पहला मार्क्सवादी समाजवाद, दूसरा लोकतांत्रिक समाजवाद। कार्ल मार्क्स की साम्यवादी विचारधारा ही मार्क्सवाद विचारधारा कहलाएगी। मार्क्सवाद उन आर्थिक, राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांतों का समुच्चय है जिन्होंने 19वीं 20वीं सदी में कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स और व्लादिमीर लेनिन तथा साथी विचारकों ने समाजवाद के वैचारिक आधार की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया है। कार्ल मार्क्स ने
अपने समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद कहा। लेनिन ने उसे रूस में लागू कर दिखाया। ऐसा समाजवाद पूंजीवाद बिल्कुल मिटाकर वर्गविहीन समाज बनाने का आग्रह करता है। क्रांति के बाद सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद की स्थापना हुई, अर्थात कृषकों श्रमिकों का राज्य बनता है जो जन कल्याण के पथ पर आग्रह होता है। निजी संपत्ति का बलपूर्वक व बिना महुआवाज दिए राष्ट्रीयकरण किया जाता है तथा शोषण उत्पीड़न अन्याय जैसे अभिशापों का निराकरण कर दिया जाता है। रूस में ऐसा ही हुआ। 1917 में वहां लेनिन ने समाजवादी राज्य स्थापित किया गया। 1924 में उसकी मृत्यु के बाद स्टालिन का नेतृत्व स्थापित हुआ। उसने योजना विभाग स्थापित किया। 1927 में पहली पंचवर्षीय योजना आई। जन कल्याण का सारा दायित्व राज्य ने अपने हाथों में ले लिया। निजी संपत्ति का पूर्ण उन्मूलन किया गया तथा कृषि का सामूहिकीकरण किया गया। दूसरा, लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद एक राजनीतिक विचारधारा है जो राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ उत्पादन के साधनों के सामाजिक स्वामित्व की वकालत करता है। इसका अधिकतर जोर समाजवादी आर्थिक प्रणाली में लोकतांत्रिक प्रबंध पर रहता है, लेकिन इंग्लैंड में लोकतांत्रिक समाजवाद को बनाए रखकर समाजवादी राज्य की स्थापना के विचार का समर्थन किया। ऐसे राज्य में बहुराष्ट्रीय व्यवस्था होती है, विपक्ष का सम्मान किया जाता है, निजी अर्थव्यवस्था बनी रहती है किंतु उस पर राज्य का कठोर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। किसी निजी उद्योग का जनहित में राष्ट्रीयकरण किया जाता है, लेकिन वह कार्य कानून की शक्ति से लिया जाता है तथा बदले में उचित महुआवाज दिया जाना चाहिए कि राज्य निजी उद्योग से प्रतियोगिता करे या उनके साथ आर्थिक सहयोग व समन्वय बनाए रखे। भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी सोवियत संघ के नियोजन व्यवस्था के प्रशासक थे, साथ ही वह फेबियनवादी लोकतांत्र समाजवाद के समर्थक थे, इसलिए उन्होंने 1950 में योजना आयोग की स्थापना की। समाजवादी प्रतिमान को अपनाने का निश्चय किया गया तथा 1956 में सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति की घोषणा की। लोकतांत्रिक समाजवाद के निम्नलिखित विशेषता है। पहला, व्यक्तिगत तथा सामूहिक जीवन को समृद्ध बनाने हेतु राज्य की व्यापक भूमिका का समर्थन तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति पूर्ण सम्मान होना। दूसरा, राज्य के कार्य क्षेत्र को बढ़ाना ताकि गरीबी बेगारी शोषण उत्पीड़न बीमारी अज्ञानता भूखमरी आश्रय भाव आदि का निराकरण होना। तीसरा, आय व संपदा की असमानता दूर करने के लिए निजी क्षेत्र पर राज्य का कठोर नियंत्रण होना तथा जनहित में कानून की शक्ति से मुहा आवाज देकर महत्वपूर्ण उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना। चौथा, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को प्रोत्साहन देना तथा निजी क्षेत्र के उद्यमों से प्रतियोगिता करना। पांचवा, देश में आर्थिक सत्ता को रोकना तथा एकाधिकार स्थापित करने वाले प्रवृत्तियों या व्यवस्थाओं का उन्मूलन करके आय व संपदा की विषमताओं को दूर करना। निजी अर्थव्यवस्था तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं को बनाए रखते हुए ऐसे समाजवादी कार्यक्रम को लागू रखना बहुत कठिन कार्य है। दोनों के बीच गंभीर विरोध के तत्व निहित है।
लेकिन नेहरू जी ने देश में नियोजन के माध्यम से ऐसा प्रायोजना सिद्ध किया, इसलिए जमींदारी का उन्मूलन किया गया। फिर निजी बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इंदिरा गांधी ने पहले 14 और फिर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को प्रोत्साहन दिया गया, लेकिन 1991 के बाद उदारीकरण और भूमंडलीकरण की लहरों ने परिदृश्य ही बदल दिया। नरसिंहा राव की सरकार को नई आर्थिक नीति अपनानी पड़ी। आर्थिक क्षेत्र में लगे प्रतिबंधों को हटाना या घटाना पड़ा। निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया। सार्वजनिक उद्यमों में पूंजी के प्रक्रिया शुरू हुई। विदेशी पूंजी के निवेश को अनुमति मिली तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में प्रवेश खुल गया। नेहरू ने नियोजन के माध्यम से जिस रणनीति को सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करना चाहा, अब उसका अंत हो गया। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।